दोस्तों नायगरा कॉलेज क्या ही बात करूँ अभी। बहुत लोगों के माइंड में तो यही कन्फ्यूज़न सबसे पहले रही, नायगरा कॉलेज टोरंटो कैंपस लेजिट है भी कि नहीं। बहुत सारे आप में से लोगों के मेरे को मैसेज आते रहे हैं, उनका ये मानना है कि नायगरा कॉलेज टोरंटो जो है उसके बारे में उनके दिमाग में बहुत बड़ा डाउट है। नायगरा कॉलेज मीन्स नायगरा ऑन द लेक, राइट? या उस साइड वाला जो एरिया है वो वाला, मतलब ये इसका टोरंटो कैंपस क्या लेना देना? आपके हर एक डाउट को क्लियर करूँगा। इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत सारा टाइम लगाया, मैंने बहुत प्रॉपर रिसर्च किया क्योंकि मैं चाहता था कि पूरा श्योर शॉट और अच्छी एक्यूरेट टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ पहुंचाओ। और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को, सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जिन्होंने नायगरा कॉलेज में आना है, और अगर आपने आना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। दोस्तों अगर बात करूँ इन जनरल कैंपसेस की, टोटल 5 मेजर कैंपस है नायगरा कॉलेज के, 4 कैंपस है नायगरा कॉलेज के और 5वां कैंपस है नायगरा कॉलेज एट टोरंटो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। इसी के बारे में मेजर लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। वन बाय वन कैंपसेस की बात करता हूँ। सबसे पहले ओवरऑल कॉलेज की बात करूँ तो 12,500 फुल टाइम स्टूडेंट है। मैं बार बार बोलता हूँ हम लोगों को फुल टाइम स्टूडेंट से ही मतलब है। उसका रीजन ये है कि फुल टाइम स्टूडेंट स्टेटस आपको मेंटेन करना है थ्रू आउट अपनी स्टडी के। मेरा एक दोस्त था, उसने क्या किया था, मैं कोई स्टोरी नहीं सुना, एक्चुअल में मतलब सच में हुआ था। मेरा एक दोस्त था, उसने एक सेमेस्टर के अंदर सोचा कि भाई मैं थोड़ा सा कुछ और चीज़ों में उस लेफ्ट राइट में फोकस करना था। उसने सोचा मैं सिर्फ दो ही कोर्स उठा लेता हूँ और बाकी छोड़ देता हूँ। एट द एंड क्या हुआ, वो जो 6 महीने का 4 महीने का उसका पीरियड था, वो वर्क परमिट देते टाइम जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो IRCC ऑफिशियल हैं, उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया कि वो जो टाइम था उसने फुल टाइम उस दौरान स्टडी की है। और आपको फुल टाइम स्टडी स्टेटस के हिसाब से ही आपका वर्क परमिट मिलता है। अगर आपने 1 साल फुल टाइम स्टडी किया तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता है, अगर 2 साल फुल टाइम स्टडी किया तो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। मतलब रूल ये है कि 2 साल स्टडी करो तो 2 साल का मिलता है, बट एक्चुअल में अगर आप 2 साल का करो तो 3 साल का वर्क परमिट आपको मिल जाता है। फुल टाइम स्टूडेंट का स्टेटस ज़रूर मेंटेन करना है, उसके मामले में कभी भी कोई भी आप लोगों ने कोताही नहीं बख्शनी। CCAA, CCCA, CBI 4 एफिलिएशंस हैं, मतलब चाहे यूनिवर्सिटीज एफिलिएशंस की बात हो, चाहे आप एथलेटिक्स की बात कर लो, नायगरा कॉलेज इज डूइंग अ रियली गुड जॉब एट एवरीथिंग। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं स्टडी स्केड्यूल की। चाहे वो आपका ऑन द लेक वाला कैंपस है, वर्जिल वाला कैंपस है, सेंट कैथरीन वाला कैंपस है, आपका चाहे जॉन सा मर्जी कैंपस है, आपको 3 दिन वाली स्टडी मिल जाएगी नायगरा कॉलेज के अंदर, अगर आप थोड़ा सा ब्रेनी चलोगे, टाइम टेबल टाइम पे उठाओगे। बेसिकली टाइम टेबल टाइम पे उठाना मैं इन जनरल बोलता हूँ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेसिकली मैं ये चीज़ें कुछ इसलिए रिपीट करता हूँ कि मुझे लगता है कि जब कोई नया बंदा आता है, वो नए सिरे से मेरी वीडियोज़ देखता है, उसको नहीं पता होता कि मैं प्रीवियस वीडियोस में क्या बोलता आ रहा हूँ। तो एक छोटी छोटी बातें जो मैं ज़रूर बोलता हूँ कि टाइम टेबल जो है आपका 3 दिन से 5 दिन वाला, आप लोगों के पास ऑप्शन होती है पर आपने 3 दिन वाला उठाना होता है और सबसे जल्दी वो टाइम टेबल उठ जाता है, इसलिए बी एक्टिव टाइम टेबल उठाते टाइम। मतलब जैसे ही टाइम टेबल ओपन हो, रात को अलार्म लगाओ, जो मर्जी लगाओ, उसी टाइम आपने टाइम टेबल उठाना है, सो दैट आप सबसे कम दिन वाला टाइम टेबल मिल जाए। हाँ, मैंने ऐसा सुना है कि जो टोरंटो वाला नायगरा कॉलेज है वहाँ पे स्टडी एज़ कम्पेयर टू बाकी के नायगरा कॉलेजेस थोड़ी सी ईजी है। वर्जिल, सेंट कैथरीन, नायगरा ऑन द लेक, वेलेंट और टोरंटो 5-ish कैंपस है, जिसमें से 4 तो बेसिकली इट इज़ देयर कैंपस ऑफ नायगरा कॉलेज कैनेडा एंड 5th इज़ नायगरा कॉलेज कैनेडा एट टोरंटो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो मेरी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है कि टोरंटो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने नायगरा कॉलेज के कोर्सेज ले लिए और वो पढ़ाने शुरू कर दिए अपने कॉलेज के अंदर, कुछ समझे? तो बेसिकली नायगरा कॉलेज ऑफ टोरंटो जो है वो ऑपरेट करता है नायगरा कॉलेज के कुछ कोर्सेज टोरंटो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में ला के। हो गए कन्फ्यूजन क्लियर? इस कॉलेज से पढ़ के भी आपको वर्क परमिट मिलता है, इस कॉलेज में भी आपको वो कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल कराए जाते हैं जिनसे आपको वर्क परमिट मिलता है। अब दोस्तों बात करूँ, आपके सामने अभी स्क्रीनशॉट आ जाएगा, वर्जिल, वेलन, सेंट कैथरीन्स ऑन द लेक, नायगरा कैंपस, हर जगह पे आपको वर्क परमिट मिलेगा। 5 के 5 प्लेसेस आर एलिजिबल फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। और दोस्तों सबसे क्रूशियल चीज़ है वो है आपकी वर्क अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले बात करता हूँ टोरंटो कैंपस की। टोरंटो कैंपस बेसिकली डाउनटाउन के अंदर है, तो डाउनटाउन के अंदर पढ़ने का आपको फायदा ये है कि आप आसपास कहीं रह सकते हो और आपके पास थ्रू आउट जॉब अपॉर्चुनिटीज खुली है, चाहे वो ग्रॉसरी स्टोर हो, चाहे वो आपकी नॉर्मल वर्क लेबर हो, चाहे वो आपका सिक्योरिटी हो, चाहे आप रेस्टोरेंट जॉब्स हो, आप किसी भी तरह की जॉब कर सकते हो सक्सेसफुली, ईजिली, आराम से ढूंढ के, बिना हैसल किए, 10 दिन रेस्ट करके भी स्टार्ट वाले, उसके बाद भी ढूंढना शुरू करोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी अगर आप टोरंटो कैंपस के अंदर पढ़ रहे हो। नायगरा ऑन द लेक के साथ मैंने कुछ लोग एक्सपीरियंस सुने हैं कि वहाँ पे उनको जॉब की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और वेलेंट, सेंट कैथरीन्स, बेसिकली ये सारा जो एरिया है ना ये नायगरा रीजन का एरिया है, तो आई विल कलेक्ट इट एज ए वन। तो आप थोड़ा थोड़ा दूर दूर ट्रैवल करके जॉब जरूर ढूंढ सकते हो, बट आपको उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर नहीं मिलेंगी एज कम्पेयर टू टोरंटो कैंपस। बट अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको कहीं लगता है कि कहीं पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, जैसे मैंने बोल दिया कि अगर मान लो सेंट कैथरीन्स
तो खैर फिर छोड़ो, अगर मान लो कि वैलेंट के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम है, तो आपने करना क्या, आपने प्रोएक्टिवली जॉब ढूंढनी, मतलब जैसे ही आप लोग लैंड हुए आप लोगों ने ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, मतलब जैसे आपका कोर्स स्टार्ट हुआ आप लोगों ने ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, आपने फटाफट जॉब ढूंढनी शुरू कर देनी है। वहाँ पर जॉब ढूंढने का है कि अपनी मैक्सिमम स्ट्रेच्ड अवेलेबिलिटी देनी है, मतलब आपने ऐसे नहीं करना कि मैंने दो दिन की, अगर मैं सैटरडे संडे लग रहा है मैं फ्री हूँ सिर्फ सैटरडे संडे की दे दूँ, अगर आपको लगता है कि आप बाकी के तीन दिन भी, बाकी के चार दिन भी अगर आप शाम को फ्री हो तो उन दिन की भी वो चार चार पाँच पाँच छः छः घंटे की अवेलेबिलिटी है। तो छोटे स्टोर्स या फिर वॉलमार्ट वगैरह या फिर रेस्टोरेंट वगैरह ऐसी जगहों पे मतलब बहुत आपको हेल्प मिलेगी इस हैक के साथ जॉब्स क्रैक करने के लिए। मैंने अपनी फर्स्ट जॉब जो ऐसे ही क्रैक की थी, वॉलमार्ट में जॉब करा था। दोस्तों बात करता हूँ रेंट एंड ऑल की, हो सकता है आपके एक्सपीरियंस मेरे से डिफरेंट रहे, बट अगर आप बात करो नाइग्रा रीजन के अंदर अगर आपने रेंट करके रहना है तो वहाँ पर आपको प्लेस जो है वो थोड़ी सस्ती मिलेगी, ज़्यादा नहीं थोड़ी, $100-$150 का फ़र्क पड़ सकता है पर मंथ एज़ कम्पेयर टू टोरंटो अभी। बट अगर आपने नायग्रा कॉलेज टोरंटो डाउनटाउन के अंदर पढ़ना है और डाउनटाउन के अंदर ही जॉब करनी है तो कुछ जगह भी डाउनटाउन के अंदर ही चाहिए, उस हिसाब से रेंट का आपका $250-$300 का फ़र्क पड़ सकता है। मेरे को ऐसे लोग जानते हैं जिन्होंने GIC के अंदर गुजारे किए हैं नायग्रा ऑन द लेक रह के, माइंड इट, यहाँ पे GIC के अंदर गुजारा भूल जाओ, यू हैव टू रियली वर्क। तो GIC के अंदर गुजारा करते हैं ऑब्वियसली बात है वो फीस नहीं निकालते हैं। दोस्तों जहाँ तक ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल सिस्टम की बात करूँ, अभी नायग्रा ऑन द लेक, वैलेंट या फिर वर्जिल, सेंट कैथरीन्स, यहाँ को ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना अच्छा नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू टोरंटो, बिकॉज टोरंटो के अंदर चलता है ट्रोनो ट्रांजिट कमीशन, मतलब टोरंटो ट्रांजिट कमीशन चलती है, उसकी बसेस की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होती है, खास करके अगर आप डाउनटाउन में रहोगे फिर तो आपको 5-5 मिनट में मतलब स्ट्रीट कार्स मिलती हैं, उसका तो कोई मतलब मुकाबला है ही नहीं। तो डाइवर्सिटी की बात करते हैं, चाहे आप चले जाओ वैलेंट कैंपस के अंदर, चाहे वर्जिल के अंदर, चाहे ऑन द लेक के अंदर, चाहे आप चले जाओ सेंट कैथरीन, चाहे चले जाओ नायग्रा कॉलेज एट टोरंटो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, कहीं पर भी आपको बहुत ज़्यादा बड़ी डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी। हर जगह पे आपको देसी पंजाबी स्टूडेंट्स या इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। होम सिकनेस का तो सवाल ही नहीं पता होता, खास तौर पर मैंने सुना है कि नायग्रा ऑन द लेक वाले बड़ा ज़्यादा फंक्शन करते हैं वहाँ पे। तो एक रीसेंट जो क्वेरी हर कोई पूछता है, नंबर वन बात ये कि अगर आप किसी कैंपस के अंदर आ जाओ और अगर आपने अपना कैंपस चेंज करवाना हो तो क्या आप आते ही कैंपस चेंज करवा सकते हो। दोस्तों सबसे पहली बात इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जिस कैंपस में आपने जाना है, अगर तो सेम कॉलेज के अंदर ही जाना है, जिस कैंपस के अंदर आपने जाना है वहाँ पे सेम कोर्स अवेलेबल है कि नहीं है, अगर सेम कोर्स अवेलेबल है कि नहीं है, वहाँ पे सीट है कि नहीं है, फिर तो आप काइंड ऑफ ट्रांसफ़र ले सकते हो कॉलेज से बात बात कर। बट अगर आपने किसी और कॉलेज के अंदर जाना है तो फिर मोस्ट प्रॉबली आपकी एक सेमेस्टर की फ़ीस वेस्ट हो जाएगी और आपको वहाँ पे जाके दोबारा से ही अपनी 2 साल की या 1 साल की जो भी है पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो एक और बहुत मेजर जो दिमाग में होती है बहुत सारे लोगों की जब वो कनाडा आते हैं, कैंपस प्लेसमेंट की ज़्यादा उम्मीदें मत लगाना। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनियाँ नहीं आती हैं, आपको एक्सपोजर नहीं मिलता। अगर आप नायग्रा कॉलेज ऑन द लेक पढ़ते हो वहाँ पे कोर्स है वाइनरी का, वाइन इंडस्ट्री का बड़ा अच्छा खासा एक्सपोजर भी मिलता है उसके अंदर, परंतु आपने उम्मीदें नहीं लगा के यानी कैंपस प्लेसमेंट की, उसके दो रीज़न है। नंबर वन कि हर किसी को कैंपस प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, दूसरी बात अगर कैंपस प्लेसमेंट मिलती भी है उसको कोई वैसे झक नहीं मारता क्योंकि आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अगर आप इंडीड पर सर्च करते हो, वैसे आप जॉब सर्च करने जाते हो तो यू विल गेट बेटर पेइंग जॉब्स आउट ऑफ द कैंपस बाय गिविंग इंटरव्यूज इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ए कैंपस प्लेसमेंट। दोस्तों अगर गाड़ी वाड़ी ले रही हो, इंश्योरेंस आपको सस्ता मिल सकता है नायग्रा रीजन के अंदर एज कम्पेयर टू टोरंटो, इज ए वेरी बिग हेल्प। तो बेसिकली होता क्या है दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे रीजन के अंदर जाते हो जहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होता और पॉपुलेशन कम होती हैं, वहाँ पे आपका इंश्योरेंस के प्राइसेस कम होते हैं, वहाँ पे गाड़ी अफोर्ड करनी ज़्यादा ईजी होती है बिकॉज गवर्नमेंट वॉन्ट्स यू टू कम्यूट With your own vehicle, it is not profitable to run frequent buses. दोस्तों अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज वाइज सीड करना हो तो वैसे टोरंटो कैंपस में अंदर पढ़ के आपको सबसे ज़्यादा चांसेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के, पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के, उसके बाद आपका नाम आता है सेंट कैथरीन्स का और आपका नायग्रा ऑन द लेक का, उसके बाद आपका नाम आता है वैलेंट का, फिर वर्जिल का। बाकी बातों की एक बात है, अगर आप नायग्रा ऑन द लेक पर लिटरली जाके पढ़ते हो तो दिस इज़ अनदर लेवल एक्सपीरियंस फॉर श्योर। मतलब छोड़ो पार्ट टाइम के लिए आपने थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली आपको जॉब मिल गई कुछ भी है, बट मैं रियली प्रेफरेंस दूंगा कि नायग्रा ऑन द लेक पे जाके पढ़ो, आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मिलेगा, टूरिस्ट प्लेस तो है ही है, उसके साथ साथ वेरी वेरी हैपनिंग एनवायरनमेंट ओवर देयर। आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर आपके सभी आंसर्स मिल गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको नया सेटअप मेरा यूट्यूब का एक कैसा लगा, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर मॉम डैड को कुछ कन्फ्यूजन है, आपको लगता है मैंने वो क्लियर किया तो उनको दिखा दो। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस।